नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या हुई 8,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 157 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 8,050 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 5, बांका में 9, भागलपुर में 3, भोजपुर में 1, दरभंगा में 1, जमुई में 3, जहानाबाद में 1, कटिहार में 3, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 9, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 1, नवादा में 14, पश्चिम चंपारण में 2, पटना में 35, पूर्णिया में 2, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 32, सारण में 1, शिवहर में 4, सिवान में 5, सुपौल में 4, वैशाली में 5 मामले मिले हैं। वहीं बिहार में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर अब तक कोविड-19 से 6,027 मरीज ठीक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कोविड-19 की वजह से अब तक 54 लोगों की जान भी जा चुकी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर मरम्मत का काम करने के लिए नेपाल ने जताई सहमति। लॉकडाउन के कारण नेपाल ने उसके हिस्से में पड़ने वाले गंडक बराज में मरम्मत के काम की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद अब जाकर के भारत की बात को मानते हुए नेपाल ने इस बराज की मरम्मत की अनुमति दे दी है। हाल ही में जारी किए गए एक जानकारी के अनुसार नेपाल ने यह मंजूरी एक ही शर्त पर दी है, जिसके तहत मरम्मत में हिस्सा लेने वाले सभी अभियंताओं को पहले कोविड-19 जांच करवाया जाना जरूरी होगा, उसके बाद ही इन्हें मरम्मत के काम में अनुमति मिलेगी। उसके बाद अब बिहार में संभावित के बढ़ते परिस्थिति पर ब्रेक लगने की उम्मीद जताई जा रही है। फीस के नाम पर महिला अभिभावक के साथ सही बर्ताव नहीं करने वाले स्कूल पर सख्ती से आया जाएगा पेश। कुछ दिनों पहले लॉकडाउन के दौरान पटना के एक निजी स्कूल की तरफ से फीस को लेकर महिला अभिभावक के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया गया था, जिसके बाद इस पूरे वाक्या का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ट्रेंड करने लगा था। जारी किए गए एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पटना के बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल की संचालिका द्वारा महिला अभिभावक के साथ स्कूल फीस को लेकर बहसबाजी चल रही है, जिसके बाद विभाग ने स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके लिए 2 लोगों की कमेटी बनाई गई है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद से दिया इस्तीफा। रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद से दिया इस्तीफा। रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राजद पार्टी सख्ते में आ गई है। खबरों की माने तो रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से दिया गया यह इस्तीफा रामा सिंह का राजद में विलय होने के कारण है, क्योंकि रामा सिंह अपने समय में लालू यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोधी माने जाते थे, जिसके बाद एक समय ऐसा आया था जब राजनीतिक रंग में रंगते हुए उन्होंने अपनी ही विरोधी पार्टी में हाथ मिलाने का फैसला लिया है। और ताज्जुब की बात यह है कि तेजस्वी यादव ने भी उनके इस इच्छा पर सहमति जता दी है। आज उत्तरी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की बढ़ी संभावना। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। वहीं इसी क्रम में बिहार के उत्तरी इलाके में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा समेत कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार देखे गए हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवा बताई गई है। बिहार सरकार अब सहजन की खेती के लिए किसानों को देगी 50% अनुदान। बिहार सरकार ने सहजन की खेती करने वाले किसानों को राहत भरी खबर सुनाई है, जिसके तहत कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि सहजन के क्षेत्र को विस्तार करने के लिए 74,000 प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का आकलन किया गया है, जिसके तहत अब वैसे किसान जो कि सहजन की खेती कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 50% अनुदान देने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए 17 जिलों में सहजन की खेती के लिए क्षेत्र विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इतना ही नहीं, 353.585 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। राजद के 5 विधान पार्षदों ने थामा जदयू का हाथ। राजद के 5 विधान पार्षदों ने राजद का साथ छोड़कर जदयू का हाथ थाम लिया है, जिसके तहत राधाचरण सेठ, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, दिलीप राय और कमरे आलम ने जदयू का हाथ थामने का फैसला लिया है। जानकारों की माने तो यह बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही दल बदल का खेल बिहार में तेज हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभावित बाढ़ को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस दौरान उन्होंने कोसी गंडक, कमला और अन्य नदियों पर हो रहे कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमला, गंडक, कोसी और दूसरी नदी जिसमें बेसिन और सीमावर्ती क्षेत्र तथा पिछली बार जो कटाव करवाया गया था उन सभी जगहों पर सुरक्षात्मक कार्य को पूरी तरह से तत्परता से करवाने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाल से संपर्क कर योजनाओं को पूरा करने का आदेश भी जारी किया है।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दिया राजद का साथ। जहां एक तरफ महागठबंधन दल में फूट की खबरें जोर शोर से सुनने में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ तौर पर अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि महागठबंधन दल के नेता लालू थे और लालू ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर के पहले ही राजद के सामने अल्टीमेटम जारी कर दिया है, जिसके तहत मुकेश सहनी ने यह साफ साफ कह दिया है कि महागठबंधन राजद के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में उतरेगा और तेजस्वी हमारे नेता होंगे। बिहार में लगभग 2000 पुलिस वालों का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिसके तहत बिहार में लगभग 2000 पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया है, जिसकी जानकारी विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि पुलिस महकमे में 14 इंस्पेक्टर, 87 दरोगा, 180 ASI, 332 हवलदार और 1481 सिपाहियों का तबादला किया गया है, जिनका तबादला शाहबाद रेंज के DIG P. कनन ने किया है। कोविड-19 के बाद अब बाढ़ के नाम पर शुरू हुई राजनीति। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हर एक मुद्दे पर राजनीति देखना स्वाभाविक है। इसी क्रम में बीते दिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बाढ़ के नाम पर सरकार पर टिप्पणी करने का सिलसिला जारी रहा, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने अभी तक बाढ़ की बढ़ती संभावनाओं को खानापूर्ति के नाम पर अपने आलिशान बंगले में बैठकर बिना मीडिया से बात किए प्रेस नोट भेजकर खानापूर्ति कर रहे हैं, जिसके बाद इसके जवाब में निखिल मंडल ने ट्वीट कर कहा कि तेजस्वी जी आप मुंबई के धन कुबेर के साथ मस्त रहिए, सरकार अपना काम कर रही है। राज्य सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह से गरीबों को और 3 महीने तक मुफ्त में भोजन देने का किया आग्रह। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत के दौरान कोविड-19 के इस माहौल में मुफ्त खाद्यान्न वितरण को और 3 महीने के लिए विस्तार किए जाने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने जुलाई, अगस्त और सितम्बर तक गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बंद का प्रभाव अभी भी काफी हद तक बरकरार है और गरीबों को अपने जीवन यापन में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए आने वाले 3 महीनों तक बिहार के 8.71 करोड़ गरीब को प्रति महीने 5-5 किलो यानी कि 15 किलो चावल का वितरण किया जाना चाहिए। साल 2017 में प्रशिक्षण खत्म होने की तारीख से ही शिक्षकों को ट्रेंड माने जाने का जारी किया गया आदेश, जिसका आदेश बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसके तहत विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण का कोर्स समाप्त होने की तारीख से ही ट्रेंड माना जाएगा। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सत्र 2013-15 में नामांकित प्रशिक्षित शिक्षक जिनका प्रशिक्षण मई 2017 में पूरा हो गया है और मार्च 2019 में प्रकाशित परीक्षा फल के अंतर्गत पास हुए हैं, ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा करने की तारीख के लिए ट्रेंड शिक्षक का वेतनमान दिया जाएगा। जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जारी किए अपने 3 नाम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इसी क्रम में बीते दिन जदयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 3 नाम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत जदयू के वरिष्ठ नेता RCP सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी ने 3 सदस्यों का नाम MLC पद के लिए भेज दिया है, जिसमें गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा का नाम शामिल है, जिसके लिए अगले 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों पर वोटिंग करवाई जानी है, जिसमें जदयू और राजद के खाते में 3-3, भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। बिहार की कई नदियां पहुंची उफान पर। बिहार की कई नदियां उफान पर पहुंच गई है। खबरों के माने तो बारिश की वजह से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। पटना में गांधी घाट और दीघा घाट पर 35 सेंटीमीटर जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। इतना ही नहीं, गंगा के अलावा सोन नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं सोन नदी का जलस्तर बारिश से पहले जहां 45.40 मीटर था, वहीं अब बढ़कर 48.92 मीटर हो गया है। दूसरी तरफ नेपाल में हो रही तेज बारिश की वजह से भी गंडक नदी में उफान नजर आ रही है, जिससे कई जिलों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग ने 26 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। वहीं इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने 26 जून को सर्वदलीय बैठक का आयोजन करवाने का आदेश जारी किया था, जिसमें सभी दलों के नेता को शामिल होने के लिए भी कहा गया है। खबरों के अनुसार आयोग बिहार ने चुनाव करवाए जाने को लेकर के राजनीतिक दलों के सुझाव की मांग की है और यही कारण है कि इस बैठक का आयोजन करवाया गया है। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने इस बैठक के दौरान डिजिटल तैयारियों का जायजा लेने का भी फैसला सुनाया है और चुनाव में हो रहे नए बदलाव की जानकारी भी साझा करने की जानकारी दे दी है। 30 साल से बंद पड़ी चीनी मिल में जल्द हो सकता है काम शुरू।
30 साल से पूर्णिया में बंद पड़ी बनमनखी चीनी मिल के खुलने की उम्मीद एक बार फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते दिन भारतीय पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और अधिकारियों की टीम मुंबई की एक कंपनी के साथ चीनी मिल का सर्वे करने पहुंची थी, जिसके बाद इस मिल के चालू होने की सुगबुगाहट एक बार फिर से सुनने में मिल रही है, जिससे इस इलाके में रहने वाले लाखों लोगों की उम्मीद एक बार फिर से जाग गई है। खबरों की माने तो कंपनी मालिक यहाँ चीनी के साथ साथ इथेनॉल और विद्युत उत्पादन का भी काम कर सकते हैं। संभावित बाढ़ को देखते हुए एनडीआरएफ टीमों को बिहार के विभिन्न जिलों में किया गया तैनात। संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ की टीम को बिहार के अलग अलग जिलों में तैनात कर दिया गया है, जिसकी जानकारी कमांडो विजय सिन्हा ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंध विभाग के मांग को देखते हुए एनडीआरएफ नई दिल्ली की सहमति से 9वीं वाहिनी एनडीआरएफ की कुल 13 टीमों को बिहार राज्य के कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, नालंदा समेत कई जिलों में तैनात कर दिया गया है। बाकी जिलों में तैनात कर दिया जाएगा। विधान पार्षदों द्वारा इस्तीफा देने के बाद तेजस्वी यादव पहुंचे राजभवन। बीते दिन राजद पार्टी के लिए एक के बाद एक झटका देखने को मिला, जिसके तहत पहले रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद 5 विधान पार्षदों ने भी पार्टी को छोड़ दिया, जिसके बाद अब राजद पार्टी सत्ते में आ गई है। वहीं इसी को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन राजभवन पहुंचे थे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, साथ ही अपना ज्ञापन भी सौंपा, क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बात की चिंता है कि एमएलसी के बाद अब विधायक भी पार्टी से बाहर निकल सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत पर बनने वाले फिल्म में बॉलीवुड इंडस्ट्री के सच को किया जाएगा उजागर। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद अब उन पर फिल्म बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत निर्देशक सनोज मिश्रा और निर्माता मारुत सिंह मिलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की चमचमाती दुनिया का सच उजागर करने वाले हैं, जिसका नाम सुशांत रखा जाएगा। हालांकि यह साफ कर दिया गया है कि यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक नहीं होगी, यह फिल्म उन तमाम लोगों की कहानी होगी जिसे बॉलीवुड में भेदभाव का सामना करना पड़ा है और अनावश्यक कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है। दलित आरक्षण के मुद्दे पर राजद विधायकों ने की राजभवन तक पैदल यात्रा। दलित आरक्षण के मुद्दे को लेकर और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के विधायकों ने बीते दिन राजभवन तक पैदल यात्रा की है, जिसके तहत राजद विधायकों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया है, जिसके तहत पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि देश में दलितों को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ चरणबद्ध तरीके से विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत नहीं है। वहीं लगभग 500 कुलपतियों में से मात्र 6 आदिवासी, 6 दलित और 36 पिछड़ी जाति के कुलपति मौजूदा समय में कार्यरत है। जल्द ही राबड़ी देवी को छोड़नी पड़ सकती है विपक्षी नेता की कुर्सी। राजद के 5 विधान परिषद सदस्यों द्वारा जनता दल यूनाइटेड में जाने के बाद राबड़ी देवी की कुर्सी भी अब बीच मझधार में नजर आ रही है, क्योंकि बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं और विपक्ष के नेता के लिए 8 सीट होनी चाहिए। राजद के 5 एमएलसी ने राजद का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद राजद के पास सिर्फ 3 सीटें रह गई हैं। ऐसे में राबड़ी देवी को जल्द ही विपक्ष के नेता की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में एईएस पर काबू पाने की कही बात। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एईएस पर बिहार में काबू पाने की बात कही है, जिसके तहत मंगल पांडे ने कहा है कि जागरूकता और तत्परता का ही परिणाम है कि एईएस पर काबू पा लिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए भी सरकार पूरी तरीके से सजग और सतर्क है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उक्त बातें 8 महीने के अंदर देश में पहली पीकू अस्पताल के बनवाने के बाद कही है। वीवो के अलावा कई चीनी कंपनियों का है भारतीय क्रिकेट से जुड़ाव। भारत चीन के बीच बढ़े तनाव के बाद चीनी सामानों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की आवाज हर कोने से सुनाई दे रही है, जिसके बाद तमाम कलाकारों के बाद अब भारतीय क्रिकेट और उसकी T20 लीग IPL पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो चीनी कंपनियों से मिलने वाले स्पॉन्सरशिप को कैंसिल करे। इस दबाव के बाद IPL की गवर्निंग काउंसिल हाई लेवल मीटिंग का आयोजन करवाने वाली है। इस मीटिंग में टूर्नामेंट से जुड़ी सभी चाइनीज स्पॉन्सरशिप का रिव्यू किया जाएगा और आगे क्या फैसला लेना है इस बात पर चर्चा की जाएगी। हालांकि BCCI के लिए इन कंपनियों को पूरी तरीके से रोकना आसान नहीं होगा। इन चीनी कंपनियों से IPL के लिए उसकी 1320 करोड़ की डील है, जिसमें से एक झटके में खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। साल 2019 में चीन ने भारत को बेचे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान। चीन और भारत के बीच उत्पन्न हुए हालात के बाद चीनी सामानों के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बंद किए जाने की मांग हर कोने से सुनने में आ रही है। वहीं इसी बीच अगर वास्तविक तौर पर देखें तो भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ता बेहद ही मजबूत है। आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2019 में ही चीन ने भारत को करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ जारी व्यापारिक रिश्तों को कम करने की मुहिम में आने वाले समय में कुछ कंपनियों पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सुझाव के लिए आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का सुझाव हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ललन कुमार, संतोष राज, पम्मी प्रिया, अनिल कुमार, हरे राम कुमार, अंजू कुमारी, प्रवीण कुमार, संजीत कुमार, मनीष कुमार, सत्येंद्र कुमार यादव, सोनू सिंह, प्रशांत प्रियदर्शी, दीपक यादव, रवि कुमार, चंदन गुप्ता, विकास यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के सुझाव अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार की राजधानी पटना में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण आपके अनुसार क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप